हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्यूब को बिगिनर्स मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो मैं अभी आपको क्यूब की कुछ बेसिक नोटेशंस बताऊंगा। आर को हम रिप्रेजेंट करेंगे राइट लेयर से, L को लेफ्ट लेयर से, U को अपर लेयर से, D को डाउन लेयर से, F को फ्रंट लेयर से, B को बैक लेयर से, M को मिडिल लेयर से, C को सेंटर लेयर से। अब ये R, L, U, D, F होता क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो जो लेयर आप अपने राइट हैंड में पकड़ रहे हैं उसे आप राइट लेयर कहेंगे, जो लेयर आप अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ रहे हैं उसे लेफ्ट लेयर, और जो सबसे टॉप पे है उसे हम कहते हैं अपर लेयर, जो डाउन है उसे हम डाउन लेयर कहते हैं। फ्रंट लेयर ये होता है फ्रंट लेयर जो आपकी तरफ फेस करता है। बैक लेयर ये होता है बैक लेयर। मिडिल लेयर ये होता है मिडिल लेयर, ये होता है मिडिल लेयर। सेंटर लेयर, सेंटर लेयर ये वाला लेयर होता है, ये वाला लेयर। स्टार्ट कीजिए। सो आपको मैं अभी साइन दिखाऊंगा। अपर डाउन के केस में हम राइट लेफ्ट और मिडिल लेयर को यूज करेंगे, राइट और लेफ्ट के केस में हम अपर डाउन और सेंटर लेयर को यूज करेंगे। फॉरवर्ड और बैकवर्ड में हम फॉरवर्ड बैकवर्ड लेयर यूज करेंगे। तो फर्स्ट लेयर को सॉल्व करने के लिए ये कुछ बेसिक नोटेशंस हैं, आप देख सकते हैं। तो इसको मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ। आपके लिए मैं क्यूब को शफल करके आता हूँ। तो अभी आपको करना क्या है, आपको कोई भी एक साइड चूज करना है। मैं येलो चूज कर रहा हूँ और उसका ऑपोजिट कलर है वाइट। तो फिर वाइट का जो जो एज पीसेस है, एज पीसेस ये वाले पीसेस होते हैं, सेंटर पीस ये वाला पीस होता है जो कभी भी मूव नहीं होने वाला है। कॉर्नर पीस ये वाला पीस होता है, ये वाला पीस को कॉर्नर पीस हम बोलते हैं। तो फिर क्या करना है, जहाँ पे वाइट एच पीस है हमें उसको यहाँ पे लाना है। जैसे यहाँ पे एक वाइट एच पीस है, हम जस्ट सिंपली इसे ऊपर कर देंगे और ला देंगे इधर। और यहाँ पे और एक वाइट एच पीस है तो हमें इसको इधर लाना है। तो इसे ऐसे रोटेट कीजिए और सिंपल, यहाँ पे भी एक वाइट एज पीस है तो फिर यहाँ पे एक वाइट कॉर्नर पीस भी है तो फिर हम इसे ऐसे करके ऊपर ला देंगे। मैं और एक एज पीस भी ला देता हूँ ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि सारे वाइट एज पीसेस ऊपर आ चुके हैं। अभी जो एज पीसेस हैं, जो भी वाइट एज पीसेस हैं उसके नीचे कौन सा कलर है आप देखिए, यहाँ पे ग्रीन कलर है तो फिर उसे ग्रीन सेंटर पीस के साथ मैच कीजिए। क्या ये ग्रीन है? नहीं, ये ग्रीन नहीं है। हाँ, ये ग्रीन है। अब इसे फिर से वाइट पे ला दीजिए ऐसे करके। अभी ऑरेंज, ये हो गया हमारा ऑरेंज सेंटर पीस, फिर से हम इसे वाइट पे ला देंगे। ब्लू, ब्लू आ गया वाइट। रेड, अब देखिए हम एक वाइट क्रॉस बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। अभी जो जो वाइट कॉर्नर पीसेस ऊपर हैं, जैसे ये एक वाइट
कॉर्नर पीस ऊपर है, उसके साइड में कौन से कलर्स हैं? साइड में रेड कलर है, ऊपर ब्लू कलर है, तो रेड कलर को हम रेड सेंटर पीस के साथ मैच करेंगे। अभी ये मैच हो गया है और ऊपर वाले कलर को आपको खाली देखना है, ब्लू है और इधर भी ब्लू है। तो फिर अभी आपको करना क्या है, जो इधर स्पेस है आपको उस तरफ इस लेयर को घुमाना है ऐसे करके, फिर राइट लेयर जो है उसको ऊपर करना है ऐसे करके। अभी अगर हम इसको इस कॉर्नर पीस को इधर ला देंगे तो फिर ये जो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। फिर से उसे नीचे कर दीजिए। अभी हमें ये वाला वाइट कॉर्नर पीस मिल जाता है, ग्रीन है साइड में, ग्रीन के साथ मैच कीजिए, रेड रेड। तो देखिए ये बहुत इजी है ना, हम और एक को करेंगे। तो यहाँ पे हमें फिर से ऊपर एक वाइट कॉर्नर पीस मिल जाता है, उसके साइड में क्या है, ऑरेंज है, ऑरेंज का साथ मैच कीजिए, ब्लू ब्लू। अब हमें जो पहले किया था उसका ऑपोजिट करना है, इस तरफ स्पेस है तो फिर हमें इस तरफ रोटेट करना है, फिर लेफ्ट लेयर जो है उसको ऊपर करना है, फिर से उसे पीछे लाना है और फिर उसे नीचे कर देना है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये सॉल्व हो गया है, बस और एक कॉर्नर पीस की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे और एक कॉर्नर पीस है, ग्रीन के साथ ग्रीन मैच किया, ऑरेंज के साथ ऑरेंज मैच किया, स्पेस इधर है ऐसे, फिर लेफ्ट लेयर को ऊपर, फिर से नीचे। तो आप देख सकते हैं कितनी इजीली मैंने सबसे नीचे वाला लेयर सॉल्व कर चुका हूँ। देखिए मैंने डाउन लेयर को बहुत अच्छे से और बहुत इजी मेथड से सॉल्व कर लिया है। अब हम मिडिल लेयर को सॉल्व करेंगे। मिडिल लेयर भी बहुत इजी है, मैं आपको उसकी एल्गोरिदम दिखाता हूँ। तो फर्स्ट लेयर सॉल्व करने के बाद अब हम सेकेंड लेयर सॉल्व करेंगे। तो ये है सेकेंड लेयर की एल्गोरिदम, आप देख सकते हैं यह है सेकेंड लेयर की एल्गोरिदम। इसको रखता हूँ मैं साइड में। तो सेकेंड लेयर हमें क्या कहता है, आप ये सेंटर पीस देख सकते हैं, कोई भी एक रैंडम सेंटर पीस लीजिए, मैंने यहाँ पे रेड लिया है। अभी थर्ड लेयर पे जो भी एज पीस है, यानी कि ये वाला जो पीस है उसको मैच कीजिए, कोई भी रेड पीस है तो, नहीं यहाँ पे तो कोई रेड पीस है ही नहीं। अभी आपको क्या करना है, जो थर्ड लेयर पे जो भी एज पीस है, जैसे कि यहाँ पे ब्लू है, ब्लू को ब्लू के साथ मैच करूँ, और इस साइड पे रेड है, रेड रेड। तो क्या करना है, आपको ऑपोजिट साइड में रोटेट करना है इसे, यानी कि ऐसे, फिर राइट लेयर को ऊपर, अपर लेयर को फिर से राइट, राइट लेयर को डाउन। तो आप देख सकते हैं ये पूरा लाइन हमारा हो चुका है। फिर से हमें इसे करना पड़ेगा।
सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको एक स्टेप बताना भूल गया था। यहाँ पे मैंने आपको बता चुका था कि जो भी एच पीस है उसको ऐसे करके मैच करना है। जैसे ब्लू है, ब्लू सेंटर पीस से मैच कीजिए, रेड है, साइड में रेड है, उसके ऑपोजिट साइड में रोटेट कीजिए राइट लेयर को अप, फिर से इसे कर दीजिए। अभी क्या करना है, हमें नॉर्मल वे में एंटर करना है, क्योंकि यहाँ पे फिर से एक वाइट कॉर्नर पीस आ चुका है। जो पहले स्टेप मैंने बताया था उसी स्टेप से आप कीजिए, ऐसे 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 ऐसे। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ, जब भी यहाँ पे येलो एच पीस होता है, नो मैटर कि ये यहाँ पे है कि ऊपर है, आपको उस एच पीस को नहीं लेना है जहाँ पे भी येलो नहीं है। जैसे कि ये वाला एच पीस, इसमें येलो नहीं है, तो फिर हमें इस एच पीस को लेना है। ग्रीन से मैच किया मैंने, यहाँ पे ऑरेंज है, तो फिर उसके ऑपोजिट साइड में। अब नॉर्मली जैसे आप एंटर करते हो वैसे आप एंटर कीजिए। तो फिर अभी हमें और एक रेड और ग्रीन वाला एच पीस मिल जाता है। मैंने रेड के साथ मैच किया, यहाँ पे ग्रीन है, उसके ऑपोजिट साइड में रोटेट कीजिए राइट लेयर को अप, अपर लेयर को राइट, राइट लेयर को फिर से डाउन। अभी हमें इसे फिर से एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। ऑरेंज ऑरेंज के साथ मैच किया, ब्लू इस तरफ है, ऑपोजिट साइड, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमने कितनी जल्दी सेकेंड लेयर भी सॉल्व कर लिया है। ना बहुत इजी एक रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एल्गोरिदम्स याद करने होंगे। अभी मैं आपको थर्ड लेयर यानी कि ये वाला लेयर का एल्गोरिदम दिखाऊंगा। तो मैं लेके आ गया हूँ थर्ड लेयर की एल्गोरिदम। अभी मैं ये थर्ड लेयर की एल्गोरिदम भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो थर्ड लेयर में क्या करना होता है, थर्ड लेयर में हमें पूरा ऊपर येलो पार्ट पे ही ध्यान देना पड़ता है। अभी आपको थर्ड लेयर पे फोर केसेस मिलेंगे। मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर लेता हूँ वो फोर केसेस है क्या। फर्स्ट है डॉट, डॉट मतलब खाली ये येलो पार्ट ही होगा, खाली सेंटर ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डॉट में क्या होगा, खाली आपको एक येलो सेंटर पीस ही मिलेगा, कुछ भी यहाँ पे येलो नहीं मिलेगा। तो फिर सेकेंड सिचुएशन ये है कि आपको एक उल्टा एल मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक उल्टा एल है। और एक केस में आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हैं थर्ड केस में आपको ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा। क्रॉस, फोर्थ है क्रॉस, जो हमारा एजेंडा है। क्रॉस हमें क्रॉस बनाना है, यानी कि ऐसा वाला क्रॉस, आप देख सकते हैं येलो क्रॉस है, वो आपको पहले से ही बना बनाया आया हुआ होगा, अगर आप लकी हो तो। अगर आपको एक येलो क्रॉस मिल जाता है तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं आपको इसे कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस पे कैसे लाना है, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो फर्स्ट केस था हमारा डॉट, डॉट में
किसी भी साइड आप रखिए, चाहे ऐसे रखिए, कुछ भी चलेगा। और आप इस एल्गोरिदम को लगाइए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगाना है। अभी हमारा केस है उल्टा एल, उल्टा एल को आपको ऐसे ही रखना है, ऐसे करके ऐसे आपको इस पोजीशन में ही रखना है, इस पोजीशन में नहीं, इस पोजीशन में नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे रखना है आपको। अब इस एल्गोरिदम को अप्लाई कर दीजिए, एफ को राइट में, आर को अप, यू को लेफ्ट, आर को डाउन, यू को आगे, एफ को फिर से पीछे कर दीजिए। तो फिर आप देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। तो फिर इस केस में आपको जो लाइन आई है आपको हॉरिजॉन्टली रखना है, मतलब आपको ये आपको हॉरिजॉन्टली रहना चाहिए, वर्टिकल नहीं रहना चाहिए, आप खाली हॉरिजॉन्टल ही रहना चाहिए। फिर से इस एल्गोरिदम को अप्लाई कर दीजिए, एफ आर को आगे, यू को पीछे, आर को नीचे, यू को आगे, एफ को पीछे। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि हमने एक येलो क्रॉस को अचीव कर लिया है। अब ये था एल्गोरिदम थर्ड लेयर का कि कैसे क्रॉस बनाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एजेस को कैसे सॉल्व करते हैं। एजेस को सॉल्व करना मतलब जैसे कोई भी आप रैंडम एज लीजिए, मैं ऑरेंज लेता हूँ, ऑरेंज को ऑरेंज के साथ मिलाइए, ऑरेंज ऑरेंज के साथ है, ब्लू ब्लू के साथ है, बट ग्रीन रेड के साथ है और रेड ग्रीन के साथ है। मतलब ये हमें एजेस को सॉल्व करना है, ग्रीन ग्रीन के साथ ही मैच होना चाहिए और रेड रेड के साथ ही मैच होना चाहिए। एजेस को कैसे सॉल्व करते हैं उसका एल्गोरिदम मैं अभी जस्ट 2 मिनट में लेके आया। तो ये है एजेस की एल्गोरिदम। यह एल्गोरिदम आपको खाली एक ही बार लगाना है, एक बार लगाने से इनके सॉल्व नहीं हुआ, एजेस सॉल्व नहीं हुआ, मतलब करेक्ट एज करेक्ट सेंटर पीस के साथ नहीं मिलता है, तो फिर आपको इसे 2 टाइम्स करना है। पहली बार लगाइए और सेकेंड टाइम भी वही एल्गोरिदम को लगाइए। तो मैं इस एल्गोरिदम को लगा के दिखाता हूँ। जो एजेस ऑलरेडी करेक्ट है आपको उसे अपने लेफ्ट साइड में रखना है, जैसे ये ब्लू है मैंने अपने लेफ्ट साइड में रखा है, और एक जो एज सॉल्व्ड है उसको आपके एकदम फ्रंट में रखना है। तो फिर एकदम फ्रंट में मेरे एक नॉन सॉल्व्ड एज पीस है। तो फिर अभी एल्गोरिदम लगाइए, जो सॉल्व्ड वाला है उसको बैक साइड रखना है और एक जो सॉल्व वाला है उसको लेफ्ट साइड रखना है। ओके, सिंपल। अभी हम इस एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे, 2 बार आर को आगे करना है, 1 2, यू को आगे, एफ को भी आगे, फ्रंट को आगे, बैक को भी आगे, आर को फिर से आगे करना है, F को पीछे, B को भी पीछे, U को आगे, और ऐसे नो मैटर अगर आप R को 2 बार पीछे कर रहे हो या R को 2 बार आगे कर रहे हो, रेड पीस तो आना ही है। तो फिर जब मैंने 1 बार किया तभी नहीं आया, ऐसा कुछ सिचुएशन आया जब यहाँ पे ग्रीन ग्रीन हो गया है और यहाँ पे ब्लू हो गया है, दोनों एकदम ऑपोजिट साइड्स पे हैं, तो फिर हमें एक सॉल्ट अपने लेफ्ट साइड में रखना है और एक सॉल्ट पोर्शन अपने राइट साइड में रखना है। अभी फिर से एल्गोरिदम को अप्लाई कीजिए, 2 टाइम्स आर को फ्रंट, यू को आगे,
फ्रंट को आगे, बी को भी आगे, दो बार आर को आगे, एफ को पीछे, बी को भी पीछे, यू को आगे, आर को दो बार आगे। तो अभी भी आप देख सकते हैं नहीं आया, तो आपको इसे बार बार करना है। मैं एक बार फिर से लगाऊंगा। तो इस एल्गोरिदम को 2-3 बार अप्लाई करने से आपको एच पीस इसके साथ मैच हो जाता है, आपका एच पीस इसके साथ सेंटर पीस के साथ मैच हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑरेंज ऑरेंज के साथ मैच हो गया, ब्लू ब्लू के साथ, रेड रेड के साथ, और ग्रीन ग्रीन के साथ मैच हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, कॉर्नर्स को करेक्ट करना है। जैसे कि ये कॉर्नर करेक्ट है, बस ये ट्विस्टेड है। ब्लू को इधर आना चाहिए, रेड को इधर आना चाहिए, येलो ऊपर चला जाएगा, ये खाली ट्विस्टेड है। तो फिर ये वाला रॉन्ग कॉर्नर है, ये वाला भी रॉन्ग कॉर्नर पीस है। तो फिर ये वाला जो है ये इधर आना चाहिए था और ये वाला इधर आना चाहिए। तो फिर मैं कॉर्नर को कैसे सॉल्व करते हैं उसका एल्गोरिदम बस 2 मिनट में लेके आया। क्या आपको एक मैजिक चाहिए? तो लीजिए, मैं अभी एच पीस के एल्गोरिदम को लेके आया। तो देखिए, एच पीस का एल्गोरिदम आ चुका है, कॉर्नर पीस का एल्गोरिदम आ चुका है। तो अभी हम जल्दी से कॉर्नर्स को सॉल्व करेंगे। तो फिर कोई भी एक कॉर्नर जो करेक्ट है उसको अपने साइड रखिए, मतलब लेफ्ट फेसिंग रखिए। अगर राइट वाला ठीक है तो फिर राइट फेसिंग रखिए, अगर कोई भी ठीक नहीं है तो फिर आप कोई भी रैंडम कॉर्नर ले सकते हैं। तो फिर लेफ्ट वाला करेक्ट है तो फिर हम लेफ्ट फेसिंग रखेंगे। अभी फिर ये एल्गोरिदम अप्लाई कर दीजिए। तो एल्गोरिदम क्या कहता है, आर, हम ये वाले एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे, आर यू एल यू आर यू एल यू। तो फिर अभी देखिए, ये वाला करेक्ट हो चुका है, ये वाला भी करेक्ट हो चुका है, ये वाला भी करेक्ट हो चुका है, और ये वाला भी करेक्ट हो चुका है। तो फिर सब कुछ करेक्ट हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको हमारा लास्ट स्टेप दिखाऊंगा। फिर से मैजिक चाहिए? तो लीजिए। तो फिर इसके बाद हमारा तो सब कुछ कॉर्नर पीस सॉल्व हो चुका है, अभी हमें इसको अपने जगह पे लाना है। तो फिर मेरे पास स्पेस नहीं था तो फिर मैंने इधर ही लिख दिया है लास्ट एल्गोरिदम। तो इसे अप्लाई करते हैं, कोई भी साइड चूज कीजिए, मैं ये वाला साइड चूज कर रहा हूँ, आर डी आर टी। इधर जब येलो आ जाएगा तभी से ऐसे करके ट्विस्ट कर देंगे हम, आर डी। क्या येलो आया? नहीं, आर डी। क्या येलो आया? नहीं, आर डी। क्या येलो आया? हाँ, आ चुका है। तो सिंपली हम इसे लेफ्ट साइड रोटेट कर देंगे, फिर से ऐसे ही करना है, आर डी आर डी आर डी आर डी। येलो आया? हाँ, येलो आ चुका है, फिर से ट्विस्ट कीजिए, आर डी 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 आर डी। क्या येलो आया? हाँ, येलो आ चुका है। अब ये लास्ट वाला है, आर डी आर डी आर डी आर डी।
तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। तो फिर हम इस पेपर को जल्दी से हटा देंगे। तो ये था मेरा वीडियो कि क्यूब को कैसे बिगिनर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बाय, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको क्यूब वाला चाहिए, क्राफ्ट चाहिए, एजुकेशनल चाहिए या कोई और व्लॉगिंग वीडियो चाहिए, कमेंट में शेयर करके बिल्कुल बताइएगा। इस सब चीज़ों को हटा दे क्या? चलिए हटा देते हैं। हो गया, देखिए मैंने कितनी जल्दी इसे क्लियर कर चुका हूँ। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।